बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेपिटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। अनासर की एक जैसी खसूसियात का बार बार एक खास वक्फे के बाद आना या दोहराना पीरियोडिसिटी कहलाता है। पीरियोडिसिटी की बेहतरीन जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। मून चेंजेस शेप्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, हम देखते हैं कि हर 28 या 30 29 दिन के बाद कमरी महीना तब्दील होता है और चांद बार बार इस तरह रेपिटेशन होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की यहाँ तक कि फिर हो गया खजूर की शाख जैसा। फिर एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, वही है जिसने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद चमकता और उसके लिए मंजिलें ठहराईं ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जानो। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह को जानने के लिए कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें। असल में कुरान मजीद अल्लाह का तआरुफ है। हम जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एलिमेंट्स में, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक रेडियस है, नॉन मेटैलिक करैक्टर और मेटैलिक करैक्टर है। आज हम जिस लेसन में हम सिर्फ एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो आपको पता है कि एटम एक बहुत छोटा ज़र्रा है। एज वी नो दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल, हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटा जर्रा है एंड डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज, और इसकी जो हदूद है वो भी वाजे नहीं होती जो इसके साइज को फिक्स करें। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर साइज ऑफ एन एटम, इसलिए किसी भी एटम का साइज मापना बहुत मुश्किल है। इतने छोटे से जर्रे को जिसकी हदूद भी सही तरह से मालूम ना हो। टू डिटरमिन द साइज वी एज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर्स। साइज मालूम करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि जो एटम्स हैं वो छोटे छोटे कुर्रे हैं, जैसे हमारी जमीन एक कुर्रा है। आपको पता है कि जब एटम्स एक एलिमेंट में एक दूसरे के करीब होते हैं तो दे टच ईच अदर, व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो एक दूसरे को छूते हैं। अब हम इनसे कैसे एटॉमिक रेडियस मालूम करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर टू एज द एटॉमिक रेडियस। हम एक दूसरे के करीब की हालत में उनका दो का डिस्टेंस लेते हैं, उसका हाफ जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। जैसे कार्बन एटम के द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154 PM, इट मींस इट्स हाफ इज 77 PM इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। हमने दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस लिया और उसका हाफ हमारा रेडियस आ गया। एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट है, एक एलिमेंट की पहचान है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम। येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज ग्रेजुअली, लेकिन एटम का साइज कम होता जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि लिथियम से नियॉन तक नंबर बढ़ रहा है लेकिन साइज डिक्रीज हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ रहा है तो इसलिए चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल, दैट इज शेल्स डू नॉट इंक्रीज। आप देख रहे हैं कि शेल्स जो हैं उनके दो ही नंबर है, लेकिन उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, लेकिन शेल जो हैं
उनका नंबर नहीं बढ़ रहा। इससे क्या होता है, दिस फोर्स पुल्स डाउन आर कॉन्ट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट शेल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे न्यूक्लियर साइज कम हो जाता है। एटॉमिक साइज इन पीरियड टू डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू नियोन, पीरियड टू में एटॉमिक साइज लिथियम से नियोन तक कम हो रहा है। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं कि साइज कम हो रहा है लेकिन नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ता है जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। इन जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद अ ग्रुप। जैसे हम पहले ग्रुप की मिसाल लेते हैं, इट इज बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडिट अप इन द सक्सेसिव पीरियड्स। हम देख रहे हैं, आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं कि नीचे जाते जाते एक एडिशनल शेल भी ऐड हो रहा है। इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और